नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास पेशकश में, जिसका नाम है खबरों के परे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने शुक्रवार को संकेत दिया कि वो 2015 के परमाणु समझौते पर ईरान के साथ फिर से जुड़ने के लिए तैयार है, जिसे ट्रंप प्रशासन द्वारा छोड़ दिया गया था और जिसे ईरान लगातार भंग कर रहा है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिडेन ने समझौते का हवाला नहीं दिया, लेकिन कहा कि तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ उनका प्रशासन बातचीत में पुनः जुड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अन्य प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ मिलकर ईरान की अस्थिर महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगाए। बिडेन ने कहा, हमें मध्य पूर्व में ईरान की स्थिर गतिविधियों को संबोधित करना चाहिए। हम आगे बढ़ने के साथ अपने यूरोपीय और अन्य भागीदारों के साथ काम करेंगे। वहीं बिडेन प्रशासन ने गुरुवार को कहा कि वह 2015 की परमाणु समझौते की वापसी पर चर्चा करने के लिए ईरान और वैश्विक शक्तियों के साथ बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार था। ईरान ने मांग की कि वार्ता में वापस आने से पहले अमेरिका प्रतिबंध हटाए। इसने अपने क्षेत्रीय गतिविधियों जैसे अन्य मुद्दों पर चर्चा करने से भी इनकार कर दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित इजराइल के नेताओं ने समझौते का लंबे समय से विरोध किया है और बार बार अमेरिका को इस सौदे पर लौटने की चेतावनी दी है। शुक्रवार दोपहर एक बयान में नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल का मानना है कि पुराना समझौता परमाणु शास्त्रगार के लिए ईरान का मार्ग प्रशस्त करेगा। बाइडेन राष्ट्रपति के रूप में वैश्विक मंच पर अपनी पहली बड़ी उपस्थिति बना रहे थे। सहयोगियों और अन्य विदेशी नेताओं को नाटकीय रूप से अमेरिकी विदेश नीति को फिर से लागू करने की योजना की एक झलक देता है। यहाँ तक कि वह कई अंतर्राष्ट्रीय संकटों से भी निपटता है जो एक स्तर पर आ रही हैं। G7 की बैठक और म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बिडेन के वर्चुअल अपीयरेंस के पहले व्हाइट हाउस ने अंडरस्कोर करने की मांग की, ताकि ट्रंप प्रशासन और नीतियों को उलटफेर की घोषणा करके डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट मंत्र को अमेरिका से दूर करने के लिए नया प्रशासन जल्द से आगे बढ़ेगा। बिडेन ने रूस और चीन द्वारा उत्पन्न आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों को संबोधित किया। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों से एकजुट होने का आग्रह किया, ताकि चीन से मजबूत राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना किया जा सके। उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों को वैश्विक अस्तित्व संकट की चेतावनी देते हुए जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रतिबद्धताओं को दुगना करने को कहा। दूसरी बार में अधिकारियों ने कहा, संयुक्त राष्ट्र में मान्यता प्राप्त ईरानी राजनयिकों की यात्रा पर प्रशासन ने बेहद सख्त सीमाएं लगा दी हैं। ट्रंप प्रशासन ने गंभीर प्रतिबंध लगाए थे, जो अनिवार्य रूप से उन्हें उनके संयुक्त राष्ट्र मिशन और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय भवन तक सीमित कर दिया था। गुरुवार को अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के विदेश मंत्रियों ने ईरान से संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निरीक्षण जारी करने और परमाणु गतिविधियों को रोकने की अनुमति देने का आग्रह किया, जिनका कोई विश्वसनीय नागरिक उपयोग नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के कार्यों से 2015 के सौदे में अमेरिका को वापस लाने और ईरान की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिबंधों को समाप्त करने के लिए नाजुक प्रयासों को खतरा हो सकता है। जर्मन विदेश मंत्री हेइको मास ने कहा, ईरान आगे से खेल रहा है, जिसने गुरुवार को पेरिस में अपने ब्रिटिश और फ्रांसीसी समकक्षों के साथ वार्ता में हिस्सा लिया। ब्लिंकन वी डियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हो गए थे। ईरान ने कहा कि वह अगले सप्ताह अपनी परमाणु सुविधाओं के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी निरीक्षण का हिस्सा बंद कर देगा, यदि पश्चिम 2015 के समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता है। समझौते के बाद से ट्रंप ने अमेरिका को समझौते से बाहर कर दिया है। यह समझौता अप्राप्य है। लद्दाख और भारत के बीच चीन पैंगोंग सो इलाके में चल रहे 9 महीने लंबा विवाद सुलझने के बाद दोनों देश शनिवार को फिर से वार्ता की मेज पर होंगे। भारत चीन के कोर कमांडर लेवल के अधिकारियों के बीच डैपसोंग, गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर बातचीत होगी, जहां दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। इस बीच चीन ने गलवान घाटी में हुए खूनी संघर्ष से एक वीडियो जारी कर प्रोपेगेंडा वॉर छेड़ा है। हालांकि बातचीत के ठीक
पहले चीन की हरकतें साफ संकेत दे रही हैं कि वह मुद्दों को भटकाना चाहता है। वह कोशिश कर रहा है कि बातचीत असल मुद्दों पर न हो और विवाद लंबा खींच सके। उसने गलवान घाटी में संघर्ष का वीडियो जारी कर यह जताने की कोशिश की है कि टकराव भारत की ओर से शुरू हुआ था। भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर के अधिकारियों की बातचीत शनिवार को सुबह 10 बजे चुशुल के दूसरी ओर चीन के इलाके मेलेडो में होगी। बातचीत का मुख्य एजेंडा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और डेपसोंग इलाका होगा, जहां चीन ने यथास्थिति को बदलने की पिछले साल कोशिश की थी। लेकिन बातचीत से ठीक एक दिन पहले चीन ने गलवान घाटी में 15 जून को भारतीय सैनिकों के साथ हुई खूनी झड़प में पहली बार कबूला कि उसके 4 सैनिक मारे गए थे। उसने गलवान घाटी को लेकर एक वीडियो जारी कर उस दिन की हिंसा के लिए भारतीय जवानों को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। इससे पहले सेना ने मंगलवार को वीडियो जारी कर दिखाया कि चीन की सेना पेंगोंग लेक से वापस लौटते दिख रही है। न केवल उसके टैंक पीछे हटते दिखे, बल्कि जैसी भी मशीन से उसने अपने बंकर भी तोड़े। ऐसा कहीं पहली बार हुआ देखा कि चीन की सेना पीछे लौटती दिखी। लेकिन बातचीत से ठीक पहले चीन की इस हरकत के पीछे बातचीत पर दबाव डालने की उसकी सोची समझी रणनीति है, ताकि बातचीत असल मुद्दों पर न हो और वह विवाद को और लंबा खींच सके। पिछले 9 महीने से पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। 15 जून को गलवान घाटी में सैनिकों को हटाने को लेकर दोनों देश के बीच खूनी झड़पें हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 6 महीने में बैंकों के लॉकर सुविधा प्रबंधन को लेकर विनियमन बनाने को कहा है। शीर्ष कोर्ट ने कहा, लॉकर परिचालन के मामले में ग्राहकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से बैंक पल्ला नहीं झाड़ सकते। जस्टिस M.M. शांतना गोदार और जस्टिस विनीत शरण की पीठ ने कहा, वैश्विककरण के दौर में बैंकिंग संस्थानों की भूमिका अहम हो गई है। बैंकिंग संस्थान अब आम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देश में होने वाले घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भारी इजाफा हुआ है। पीठ ने कहा, लोग अपनी चल संपत्तियों को घरों में रखने से संकोच करते हैं। हम कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह देखा जा रहा है कि बैंकिंग संस्थानों के लिए लॉकर आदि की सेवा अनिवार्य हो गई है। इस सेवा का इस्तेमाल भारतीय और विदेशी भी कर सकते हैं। पीठ ने कहा, तकनीकी विकास के कारण अब हम दो चाबी वाले लॉकर से इलेक्ट्रॉनिक लॉकर की ओर बढ़ रहे हैं। नए तरह से लॉकर पर ग्राहकों के पासवर्ड या ATM पिन के जरिए आंशिक रूप से पहुंच होती है। उन्हें तकनीक के बारे में कम ही जानकारी होती है। इस बात की भी आशंका बनी रहती है कि बदमाश तकनीकी हेरफेर कर लॉकर तक न पहुंच जाएं और ग्राहकों को इसकी भनक तक न लगे। पीठ ने कहा, ग्राहक पूरी तरह से बैंक के भरोसे रहते हैं। संपत्तियों को सुरक्षित रखने के लिए बैंकों के पास अधिक व बेहतर संसाधन हैं। ऐसी स्थिति में बैंक अपनी इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते कि बैंक के लॉकर के संचालन में उनकी जिम्मेदारी नहीं है। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।